भगवाने की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय कररूपाय ते नमः। अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रविष्णवे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोले भागवत भगवान की। देव नारायण भगवान की। गुरुदेव भगवान की। सभी संत भगवान की। जय जय श्री राधे। परम मंगल में प्राक्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु भगवान श्री देव नारायण भगवान की कल्प छाया में छत्र छाया में बैठ करके हम सब लोग बड़े भी आनंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का रसस स्वादन कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बड़े ही सरल स्वभाव और मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रखते हैं महाराज जी स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे मध्य में श्री महाराज जी चित्रकूट धाम से पधारे। बड़े ही सुंदर अभी आपने महाराज जी के माध्यम से अल्प शब्दों में बड़ी सुंदर कथा सुनी। स्वामी श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज जी के चरणों में नमन। हमारे बगल में बैठे हमारे परम प्रिय मित्र, मैं इनको भी नमन करता हूँ। हमारे दो ब्रह्मचारी जी, सभी को आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़ा ही मंगल में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का स्वादन रसस स्वादन किया। यहाँ पर स्वामी जी विराजमान होकर के और आपके हृदय को धोया है और आपका हृदय निर्मल हुआ है। अब इस हृदय में ठाकुर जी विराजमान होना चाहिए। आप लोगों ने जो कथा सुनी और कथा सुनकर के यज्ञ में परिक्रमा करके यज्ञ नारायण भगवान का जो आपने प्रसाद पाया है, इस प्रसाद के द्वारा आप जानते हो प्रसाद का मतलब क्या होता है। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। प्रसाद का अर्थ सीधा सीधा है प्रभु का साक्षात दर्शन। यहाँ पर बैठ करके प्रसाद का स्वाद लेना, देवनारायण भगवान के दर्शन करना, जहाँ पर देवनारायण भगवान विराजमान होकर के और गायों की, भैंसों के और अनेक जीवों का इलाज करते हैं और जहाँ पर आने मात्र से सारे रोग दूर हो जाते हैं, ऐसे देवनारायण भगवान की यज्ञ में जो आप सब लोग जो सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर के और देवनारायण भगवान की यज्ञ की परिक्रमा करके और कथा के द्वारा, कहते हैं भगवान की कथा क्या है कि श्रवण मंगलम ताप्त जीवनम। ये जो हमारा जीवन क्या है, तप्त, दैविक, दैहिक, भौतिक, इन तीन त्रितापों से तपित हमारा जो जीवन है, इस जीवन में अपने श्रवण मंगलम, इन श्रवणों के द्वारा, कानों के द्वारा रसस स्वादन करके और श्रीमद् भागवत का जो आपने रस स्वादन किया है, स्नान किया है, अवगाहन किया है, इसके द्वारा आपका हृदय बड़ा ही पवित्र हो गया और त्रिताप से मुक्ति प्रदान करने वाली जो भागवत है, कौन सी भागवत? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अनेक जन्मों के अर्जित जो पुण्य है, अनेक जन्मों के किए हुए सुकृत जब उदय होते हैं, तब भगवान की ऐसी भागवत कथा श्रवण करने में, देखिए सुनने को तो बहुत मिलती है आजकल, मोबाइल चलाओ भागवत कथा, टीवी ऑन करो भागवत कथा और जिसकी चाहो उसकी भागवत कथा, लेकिन भगवान की सन्मुख बैठ करके और भगवान की कथा में आपका मन लग जाए,
मन बार बार भंडार घर में न भागे, मन बार बार इधर उधर न भागे, और बैठ करके अपने जीवन में 7 दिन तक बैठ करके अगर आपने कथा श्रवण की है तो त्रिताप आपको कभी सताएंगे नहीं। ये भागवत जी का उपदेश है। ये ठाकुर जी कहते हैं त्रिताप उसके पास नहीं आते। जो हम आज 3 तापों से तपित हैं, देखिए आज भयंकर गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी का कारण कौन है? इस गर्मी के कारण हम सभी लोग हैं। हम लोगों ने पेड़ पर पेड़ काटते चले गए, हमने प्रकृति का दोहन किया है, और आज उसका परिणाम ये हुआ कि आज इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। आप लोग एक संकल्प लेके जाओ, मैं खड़े होकर स्वामी जी बोल रहा हूं, क्षमा करिएगा, आज एक संकल्प लेकर के जाओ। आप इतने लोग बैठे हो, इस गर्मी के भी कारण आप हो, और आज ये स्थिति हो रही है, आज हमारा जल का संकट गहराता जा रहा है, उसका कारण भी आप हो। आज अपने हृदय में, स्वच्छ हृदय में एक संकल्प लेकर के जाओ, एक पेड़ लगाओगे, ज्यादा नहीं, एक पेड़ लगाओगे, उसकी रक्षा करोगे, उसकी सुरक्षा करोगे, उसका पालन करोगे, उसको बड़ा करोगे, तो आपके यहां ये गर्मी का प्रकोप बंद हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा हमने प्रकृति का दोहन किया है, इसलिए ये प्रकृति का दोहन बंद करो, पेड़ों को काटना बंद करो, एक पेड़ लगाओ। अपने जीवन में एक पेड़ लगाने का मतलब होता है, जैसे बरगद का पेड़ अगर आप लगाते हो, पालन करते हो, बड़ा करते हो, तो 1000 लोगों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है, 1000 लोगों के बराबर, 1000 जीव को भोजन कराओ उतना फल मिलता है एक बड़ का पेड़ लगाने से, एक पीपल का पेड़ लगाने से। ये हमारे जीवन में एक संकल्प लेके जाओ, हमारे जीवन में एक संकल्प होना चाहिए कि हम एक पेड़ लगाएंगे, ये हमारी प्रकृति हरी भरी हो जाएगी। और दूसरा आज विनाश का कारण है, आज हम लोग विनाश की ओर जो बढ़ रहे हैं उसका दूसरा कारण है, आज हमने अपने घर से गाय को निकाल दिया है। मैं देखता हूं, मैं जब चलता हूं रोड पे, मैं ही नहीं आप लोग भी चलते हैं तो आप देखते हैं आज गैयाओं की दुर्दशा हो रही है, कोई कुल्हाड़ी से मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है, और इतने आप लोग लोभी हो गए हो, जो गायों के लिए हमारे पूर्वज जगह छोड़ते थे उसको आज आप लोगों ने दबा लिया है, आपने उसको कब्जा कर लिया है। आप रोड के ऊपर ले आकर के एक एक पत्थर लगा देते हो जिसमें गाड़ी भी क्रॉस होने में दिक्कत होती है, वो गौचर के लिए छोड़ी जाती थी, गौचर की भूमि खा गए। अरे आप कथा सुनते हो, यज्ञ में बैठते हो, यज्ञ में दान देते हो, और फिर भी गौचर की भूमि जमीन खा जाते हो, क्या आपको शर्म नहीं आती? आप लोग एक बार सोचो, कोई महात्मा आया था कह के गया, और मैं हर मंच पर कहता हूँ गौचर को छोड़ दो, गायों को एक एक संभाल लो। आज आप लोग जो भी कोई महात्मा, भेषधारी, कोई ऐसा पंडित, कोई ऐसा पाखंडी मंच पर खड़े होकर के ये कहने लगता है ये पुड़िया ले जाओ ठीक हो जाओगे, वहां लाइन लगा देते हो, ये कर लो तो ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो करने लगते हो, उसकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर एक गाय अपने घर में पालन कर लो, वेद लक्षणा गाय, देसी गाय का पालन करो, गौमूत्र पियो, गाय का सेवन करो, आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आज जो गरीबी है उसका कारण आप, जब आप स्वामी जी ने भी बताते हैं, स्वामी जी बराबर बताते रहते हैं, गाय के शरीर में कितने देवता वास करते हैं मालूम है? 33 कोटि देवता वास करते हैं। गाय के गोबर में कौन कौन वास करता है? लक्ष्मी जी वास करती हैं। आप कभी भी जाइए दक्षिण भारत में, कभी दक्षिण भारत में जाइए, दरवाजे पर गाय के गोबर का चौका लगाते हैं, दरवाजे पर बड़ी सुंदर रंगोली बनाते हैं। सबसे ज्यादा धनवान अगर है तो आपका दक्षिण है, दक्षिण भारत जैसा धनवान कोई प्रदेश नहीं है, क्योंकि वहां लक्ष्मी जी का वास है। तो अपने दरवाजे पर गाय के गोबर का एक चौका लगाइए और गाय की पूजा करिए, गाय का गौमूत्र
सेवन करिए। आप ये जो पुड़िया देने वाले, मंत्र बताने वाले, तंत्र बताने वाले, इनके दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप निरोग होगे। आज से पहले, आज से ज्यादा दूर मत जाइए, आज से 20 वर्ष पहले आप चले जाइए, अपने ही यहां देखो कितना रोग कम था, कितने रोग, बुखार नहीं आती थी, क्योंकि वो गौमूत्र पीते थे, गुड़ का सेवन करते थे, दरवाजे पर तुलसी होती थी, हमारे यहाँ पेड़ पौधे बहुत थे और हमारे यहाँ रोग नहीं था। आज पेड़ खत्म, गाय को बाहर निकाल दिया, माता पिता को सेवा करनी बंद कर दी, तो आज आज हम सब रोगी होते जा रहे हैं। एक कोरोना ऐसा आया जिसने घर में बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया। इसलिए एक संकल्प लो, एक गाय की सेवा करेंगे और दूसरे एक पेड़ लगाएंगे। केवल मैं यही कहता हूँ, बाकी और कुछ कहना नहीं। जानते हो जीवन में सब कुछ है। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्य अनेक जन्मों के इस धरा पर आपके उदय हुए हैं, अनेक जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय हुए इस धरा पर, इस भूमि के भाग्य जागृत हुए, तब भगवान देव नारायण भगवान का इस धरा पर अवतार हुआ, प्रकट हुए, और प्रकट होकर के आज इस धरा से पूरे क्षेत्र को आज देव नारायण भगवान रोग मुक्त कर रहे हैं, रोग मुक्त कर रहे हैं इस धरा पर। इसी गांव का नाम आप जानते हो, हमने बहुत लोगों से सुना, आज इसी गांव का नाम हो रहा है, आज जय जयकार हो रही, वो देव नारायण भगवान की कृपा है। और देव नारायण भगवान की कृपा से आज ये भूमि और पवित्र हो गई, हमारे स्वामी जी विराजमान होकर के, और आपको पूरी सुंदर ऐसी भागवत कथा, जो सोए हुए आपके भाग्य, जन्म जन्मांतरों के सोए हुए भाग्यों को जागृत करके और भागवत का ज्ञान आपके अंदर भरा, इस ज्ञान को संजो करके रखना, संभाल करके रखना, क्योंकि ये आने वाला जो कलिकाल है, इस कलिकाल में ना तो बुआ होगी और ना बहन मिलेगी जल्दी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी शॉर्ट होने वाले हैं, थोड़े होने वाले हैं, क्योंकि हम एक, हमारे एक पर हैं। इसलिए हमारे यहाँ बुआ, नानी, चाची, ताऊ, ताई, न जाने कितने रिश्ते थे, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। याद रखना, याद रखना, एक दिन आपको वो दिन भी देखना पड़ेगा कि हमारी बुआ कहाँ है, बुआ शब्द समाप्त हो जाएगा। इन बातों को याद रखना और इस धरा पर बैठ करके इतना सुंदर ज्ञान लिया, एक पेड़ अवश्य लगाना। बोलो भारत माता की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, देव नारायण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। हरिओम। पूज्य महाराज ने